हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्या कोचिंग। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। और ये डिटेल्स क्या है, कौन भर सकता है, कब भर सकता, डिटेल्स के लिए हम आगे चलते हैं। लेकिन इसके पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और आपको लगता है कि इस तरह का अपडेट आपको भी लगातार चाहिए, यानी कि यदि आप भी किसी टीचर गवर्नमेंट टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं आप, और आपको लगता है कि इस तरह का जो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपके पास भी पहुंचे, आपके मोबाइल पर पहुंचे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलते रहे। अतुल्या कोचिंग, जहाँ से मैं ये पब्लिश कर रहा हूँ, हमारी टीम के द्वारा क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान भर में, यानी कि ऑल इंडिया बेस पर जो डिफरेंट स्टेट में वैकेंसी आते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या परमानेंट हो या फिर किसी और भी प्राइवेट स्कूल के लिए वैकेंसी हो, तो हमारी टीम के द्वारा लगातार यहाँ पर अपडेट किया जाता है, लगातार इसको पब्लिश किया जाता है। यदि आप चाहते कि आपको भी हर तरह का वैकेंसी चाहिए, हर तरह का वैकेंसी न्यूज़ चाहिए, हर तरह का अपडेट चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को पूरा देखिए। क्या होता है कि वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप वीडियो को पॉज करके देखते या स्किप करके देखते, तो फिर हो सकता है आपको समझ में ना भी आए, इसीलिए वीडियो को पूरा पूरा देखिए। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कुछ न्यूज़ है आज का। ये देखिए, जो पहला सीरियल नंबर है, स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी शिक्षक के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, हिंदी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो ये पीजीटी में ये डिफरेंट जो सब्जेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है जो आपके सामने है, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ से। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एवं बीएड तथा हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण में प्रवीणता। यानी कि पहली बात तो आपका जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए, तो उस सब्जेक्ट में आपका जो है ना पीजी आपका पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड भी होना चाहिए तथा हिंदी और अंग्रेजी यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। उसके बाद जो डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है इसकी, कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखिए जो इसमें सीरियल नंबर आ रहा है, ये है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी, जिसको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते। तो इसमें इस पोस्ट के लिए यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान यानी कि साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस और संस्कृत। इसके लिए यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट है ये मैंने आपको बताया, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ से, संबंधित विषय में मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, और 50% मार्क्स उसमें कम से कम होना चाहिए, बाकी ज़्यादा है तो अच्छी बात है, और आपका बीएड भी होना चाहिए, तथा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जिसको हम सीटीईटी बोलते, सीटीईटी भी आपका पास होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण में प्रवीणता यानी कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इस पर अच्छा कमांड होना चाहिए, और डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल जो नॉलेज है ये आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद तीसरा देखिए जो उसमें सीरियल नंबर है, प्राथमिक शिक्षक यानी कि जिसको हम पीआरटी बोलते, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए आपका, हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या समकक्ष न्यूनतम 50% अंकों के साथ। पहली बात तो आपको 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। उसके बाद डीएड या डीएलएड या बीटीसी या जेबीटी। देखिए होता क्या है ना कि डीएड, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, ये डिफरेंट स्टेट में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन मतलब यही है कि 2 साल का आपका ये डिप्लोमा चाहिए आपको, तथा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी भी आपका पास होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी का माध्यम से शिक्षण में प्रवीणता यानी कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों जो इसमें मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट जो है इसमें, यानी कि दोनों मीडियम में पढ़ाने की आपको बिल्कुल कमांड होना चाहिए। और डिजायरेबल में देख लीजिए आप, कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान आपका होना चाहिए। और चौथा नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पर, संगीत प्रशिक्षक यानी कि म्यूजिक टीचर जो है, उसके लिए हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या समकक्ष न्यूनतम 50% अंकों के साथ
तथा संगीत में स्नातक यानी कि संगीत जो म्यूजिक जो सब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या समकक्ष विशिष्टता प्रमाण के साथ। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज देखो यहाँ भी डिमांडेड है। पाँचवा नंबर देखिए क्रीड़ा शिक्षक कबड्डी खो खो स्लैश योग स्लैश आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ से संबंधित खेल में NIS डिप्लोमा या समकक्ष शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं संबंधित खेल में विशिष्टता डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र। योग शिक्षण में डिप्लोमा अथवा उपाधि। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रशिक्षण वही है सेम है, हिंदी इंग्लिश में आपका कमांड होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज तो चाहिए चाहिए। उसके बाद स्टाफ नर्स का भी यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुआ है रिक्वायरमेंट है नर्सिंग में डिप्लोमा या समकक्ष, और इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा आपातकालीन उपचार एवं बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स का व्यवहारिक ज्ञान। सातवां नंबर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 7 जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, यानी कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE BTech BSc MSc कंप्यूटर विज्ञान या MSc IT BCA MCA अथवा स्नातक किसी भी विषय में एवं PGDCA से A और O लेवल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों अध्यापन प्रवीणता, ये सब सारा होना चाहिए। और इसके बाद नोट देख लीजिए आप, परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवश्यक अर्हता धारित हो, मतलब फॉर्म इसमें जो कुछ भी आगे जो फॉर्म भरेंगे आप इसके बेस पर आपका जो मतलब कि इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि आप एलिजिबल हो। दूसरा पॉइंट देखिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT और प्राथमिक शिक्षक यानी कि PRT पदों हेतु केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण यानी कि जिसको 60% मार्क्स जिनके पास नहीं है या जो 90 मार्क्स से कम है जिनका, अभ्यर्थी भी चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने CTET नहीं किया है वो भी शामिल हो सकते हैं। उपयुक्त केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अभाव में उनके चयन पर विचार किया जा सकता है, मतलब क्या हुआ कि जो जिनका CTET पास नहीं हुआ है चाहते हैं अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उन पर विचार किया जाएगा। तीसरा नंबर आवश्यकता पड़ने पर ही सूचीबद्ध पैनल के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चौथा नंबर साक्षात्कार परीक्षा हेतु आने वाले का व्यय, मतलब इसमें जो भी TAD कुछ नहीं दिया जाएगा आपको अपने खुद के खर्च पर जाना है। और अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा की तिथि एवं अन्य उद्यन जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है lakhanpur.kbs.ac.in इस पर आपको विजिट करना है, जो भी अपडेट होगा उस पर आपको मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में एक बार कि आया कहाँ से है। ये देखिए जो वैकेंसी जो अनाउंसमेंट हुआ है ये है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एडवर्टीजमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ से केंद्रीय विद्यालय लखनपुर बसोली रोड जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर KBS से आया हुआ है ये। और आप यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय लखनपुर में निम्नलिखित पदों के लिए पूर्णतः अंशकालीन संविदा आधार पर शैक्षिक सत्र 2020-21 में संभावित रिक्तियों के लिए तथा सामान्य नियुक्ति हेतु पैनल बनाया जाना है। 18 से 65 आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी कक्षा 10वीं की अंक सूची आवश्यक योग्यता अनुसार मूल प्रमाण पत्र उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर निम्नांकित पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है, मतलब कि ये जो वैकेंसी आया हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और एज देख सकते हैं आप इसमें मैक्सिमम आपका 65 साल है यानी कि 65 ईयर्स है। और ये आप जो अभी हमने डिस्कस किया PGT TGT PRT या फिर म्यूजिक टीचर के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है इसको अच्छी तरह से पहले रीड कर लीजिए, आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो इसको आप भर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए वेबसाइट एड्रेस है, यहाँ पर जा करके इसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो भी अपडेट आएगा आपको इसी वेबसाइट पर आएगा। चलिए मैं आपको एक बार इसका जो है ना दिखाता हूँ कि ये देखिए कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, आप ये देख लीजिए ये है वेबसाइट जिसकी बात हमने किया अभी केंद्रीय विद्यालय लखनपुर, और इसका जो वेबसाइट एड्रेस है lakhanpur.kbs.ac.in, लखनपुर का स्पेलिंग में बता रहा हूँ LAKHANPUR lakhanpur.kbs.ac.in। ये है होम पेज पर आप जैसे आएंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल हो रहा है अनाउंसमेंट में व्यू ऑल को क्लिक कीजिए, आप व्यू ऑल को क्लिक करके में ये सेकंड जो नंबर है एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स 2021-22 इसको डाउनलोड है यहाँ पर, इसको क्लिक कीजिए। देखिए 25 जैन को आज ही आया हुआ ये, तो ये था कि इन्फॉर्मेशन जो कि PRT TGT PGDCA से रिलेटेड KBS में जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके लिए बताएगी आपको। बाकी इस तरह के और भी अपडेट के लिए, इस तरह के और भी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए
और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पर यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल पर इस तरह का अपडेट लगातार जारी होता है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपके लिए आपके करियर से जुड़ी हुई हर बातें होती है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और बातें करते हैं। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने सुनने समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।